मैंने बोला था आपको कि मेरी नानी गुजर गई है, तो मैं अभी शुरस फॉर्म से जस्ट आई रही हूँ। मैंने दिखाया नहीं है, वीडियो वहाँ पे किया नहीं है क्योंकि वहाँ की परिस्थिति बहुत ही गंभीर थी, तो मैंने किया नहीं है वीडियो वहाँ पे, तो सॉरी। और सॉरी किस बात की, वहाँ पे करनी भी नहीं चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा जाते टाइम ब्लॉग बना दूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जाते टाइम बना दो, उससे कुछ नहीं होता। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, अभी करीब हो रहा है 3:38 हो रहा है, और मैं यहाँ आई थी सुबह के 7 बजे आई थी यहाँ पे, और मैंने वहाँ पे बहुत ही मतलब पेट भर के कुछ खाया नहीं है। अगर रोड में कुछ मिले तो मैं खाऊंगी ज़रूर, क्योंकि मैंने मेरा पेट भरा नहीं है। और अभी हम थोड़ा घूमते घूमते जाएंगे धीरे धीरे। और हाँ, मैं हो सके तो मैं हमारे अंदर जो है 14 डेज के बाद पूरे गांव को खिलाया जाता है, जो जिसे हम कहते हैं खरोज, तो वो होगा। और उस टाइम मैं पक्का वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उस टाइम माहौल थोड़ा ठंडा रहेगा और अच्छा भी रहेगा। तो मैं सबसे मिलाऊंगी, कोशिश करूंगी मिलाने के लिए। और अभी मैं घर जा रही हूँ, सीधे घर जाके फिर हम बात करते हैं। और रोड में क्या क्या करेंगे हम ज़रूर आपको दिखाएंगे कि कैसा क्या है। तो अभी तो मैं अपने हस्बैंड को दिखा नहीं सकती, क्योंकि मेरे पति जी अभी बाइक चला रहे हैं, मैं बाइक में हूँ। और ये मैंने जैकेट लिया है सितारगंज से, जिस दिन मैं नानक माता के मेले में गई थी तो वहाँ से लिया मैंने, करीब 2000 का पड़ा होगा ये। एंड तो अभी चलते हैं हम, चलो दिखाते हैं कि कैसा है पूरा। और मेरे पीछे का देखिए, पूरा रोड बहुत खाली है, मस्त है। जिसको पता है शुरस फार्म, जो मेरे लोकल के हैं उनको पता होगा शुरस फार्म कैसा है। और मेरे मेरे हस्बैंड की नानी है, मेरे हस्बैंड की नानी है, हस्बैंड के तरफ से है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको वीडियो करके कि कैसा है। हैप्पी छठ पूजा, और मेरे तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है छठ पूजा, तो अभी यहाँ पे पूजा चल रहा है छठ पूजा। तो अभी मैं घर जाऊंगी, चलिए घर चलते हैं।